गाओ अपने। Kalau selalu paru, gitu milawan baru. Ini boro manu boro. Oh, ini. Boro raba or mizo sakma. Guys, dekho kitna sundar hai yaar. Dekho pani bhi green green hai. Nahane ka bahut mann ho raha hai. Lekin hum log ne extra dress leke nahi aaya. Good morning and welcome back to our another new video. मैं ready हो गया, मेरा bag देख सकते हो हम लोग अभी title देख के पता चल रहा होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आज क्या करने वाला है। एंड पोडू भी पूरा हैंडसम लग रहा है आज, ready हो गया है तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं खाया अभी, रास्ता पे कुछ खाना पड़ेगा guys। इतना हम लोग ने कल का प्लान किया था कि सुबह हम लोग 8 बजे को निकलेगा लेकिन उठा है 10 बजे को, तो इसकी वजह से आप लोग का लेट हो गया। कुछ भी नहीं खाया अभी, जस्ट नहा के रेडी होके जा रहे हैं हम लोग, तो रास्ते पे कुछ खाना पड़ेगा। भूख भी लग रहा है बहुत ज़्यादा गाइस, हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं हम लोग। कपल कपल देखो, वाइट वाइट जूता। ओ ओ सारा ब्रिज बनाने के बाद फायदा नहीं है, फिर भी ट्रैफिक जाम होगा ही होगा। अनिता बेसी क्या कर रहा है? हम लोग का पूरी आ गया है। एक्सक्यूज मी दिस इज माय पूरी। बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। पूरी में एक ही आता है क्या? अब पहले तो दो था ना शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, डांगो तो और दिस इज माई फेवरेट मालपुआ होता है गाइस। एंड ये चाय है, ये देखो कितना बड़ा, तेरा फेस से भी बड़ा है। मैम 20 रुपया नहीं है, 30 रुपया है। तो गाइस हम लोग खाना खा लिया है, आई मीन पूरी खा लिया, पेट पूजा खा लिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग का जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है गाइस, तो अभी देर होने से पहले हम लोग सीधा जाएगा। तो हम लोग के साथ लगे रहे हैं गाइस वीडियो पे। हम लोग पहुंचने वाला है विलेज पे, तो 5 किलोमीटर बचा है हम लोग पहुंचने वाला है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर है रास्ता, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो में कैसा दिख रहा है पता नहीं, ये पीछे में बहुत सारा, ये देखो आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे में बहुत सारा माउंटेन है, यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है गाइस बहुत ही ज़्यादा। गाइस फाइनली पहुंच गया है लोकेशन पे, यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है देखो, बोनोरिया जिमिरी गांव ऑरेंज विलेज इको टूरिज्म। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट का नहीं है। अभी मैं पैदल जाएगा पूछने। पहुंच गया है फाइनली यहाँ पे, ऑरेंज विलेज करके लिखा है। ক্লাস 3 4 ইমানৰ পৰা মই বজাছো।
बहुत दुनिया तो अपनी क्यों माने आसाम किबा म्यूजिक होता है ना फर्म फिलप लौटे तमाने मोबाइल हल बोले सेंटर जॉन हर कारण पैसा लगे रुपया लगे 5000 टका लगे 5000 टका 5000 टका दिले और मोर लोकता कैनिकी चल के मोर दुर्दशा हो गए तो 5000 दीबन इति बजबा जाना जानो इति मय हलम अलग पारो अलग अलग पारा अलग अलग बजाम ने बजा दिया एक बार साओ तुमको आता है थरा थरा মই আপোনাক এটা খুদিব মন আছে আপুনি যেতিয়া 5000 খুজি আপুনি তো দিব নোৱাৰিলে ন তারপরে আপুনি আৰু ট্ৰাই কৰা নাই মানে নাই 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 কৰা নাই আপুনি যদি ট্ৰাই কৰি কৰি কৰে এতিয়া তো আপুনি আসামৰ সিংগাৰ হলে হয় হলো হয় এতিয়া এ আপোনাৰ ইমান দুনিয়া ইমান টেলেন্ট আছে আপোনাৰ আপুনি আমাৰ নিচিনা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কি সাজেষ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি মানে লাইভত ভাল কৰিব কাৰণে কুকার নাতি লড়ার দরে বালুত উমলিব লাগবো অলপ চলপ পারো কিন্তু মিলাব নোৱাৰো মিলাব পদুকা তেলেন সিক্রেট তেলেন কি কি কারবি না আমি বড় মানু বড় ও নে নে ঠিক আছে আপনি রাবা ও মই রাবা রাব বড় রাবা ও মিজো চাকমা ও সবে বেলেক বেলেক চাকমা চাকমা মই যা ও চাকমা 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 তো গারো চাকমা চাকমা এটো বেলেক যা মা তো আতে তো এটা গান আছে গাতে হাই ইউ এটি বাসা কামা মেঘালয়া এই লড়কা লড়কি মেই বহুত আশা আশা ভাল হো গিয়া আগে এই দেখি এনকি গান গানটো রাভাগারো বড় খাসিয়া একেল few moments later हम लोग बागान में जाएगा गाइस ऑरेंज का बागान में ये रास्ता है वाटरफॉल भी है बहुत सारा फिर वो भैया ने बोला कि इस तरफ भी है एक वाटरफॉल वहाँ पे नहा भी सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर बारा है लेकिन वहाँ पे एक जन का 200 रुपया बोला है तो हम लोग नहीं गया यहाँ पे ही 100 रुपया लिया एक जन का 200 रुपया गया हम लोग का ऑरेंज शेक तो भी नहीं है होने से चोरी करके खा लेता सोता था वो लेकिन भूल गया था सीजन चला गया हाँ सीजन चला गया हम लोग लेट हो गया हम लोग अभी वाटरफॉल ढूंढ रहे जंगल पे दोनों सिर्फ कहाँ है पता नहीं पूछा भी नहीं बस जा रहे बस जा रहे बहुत गर्मी लग रहे है लेकिन गाइस इतना ड्राई ड्राई है ना समर सीजन में होने से अच्छा है बारिश में पूरा ग्रीन ग्रीन सुंदर लगता है अभी तो सब ड्राई ड्राई यहाँ पे काफी स्ट्रांग भी है
ऑर्बिटर नहीं है, ये पोस्टर है, दुन दुन के पहुंच गया गाइस। ये है नदी, सरर कर रहे। तो का साथ धोखा हुआ, वहाँ पे भी 200 रुपया लिया है, यहाँ पे भी अभी एंट्री फीस लिया है, ये देखने के लिए सिर्फ। ये वाटरफॉल यहाँ पे नहा सकते हैं, पता नहीं था, अगर पता होने से पूरा रेडी करके आता मैं, नहाने मन हो रहा है बेट। देखो गाइस, देखो कितना सुंदर है यार, देखो पानी भी ग्रीन ग्रीन है। दिस इज नॉट मेघालय, दिस इज नॉट क्या बोलते हैं अरुणाचल, दिस इज ओनली असम, ये है असम। देखो गाइस असम में भी इतना सुंदर सुंदर प्लेस है, देखो ना वाटरफॉल को, वाओ बहुत सुंदर है, लेकिन ना बहुत सफा है, सफा है, इतना सुंदर वाटरफॉल असम में भी होता है, वाओ। इसी से क्या करेगा, इसी से तो ड्रिंक करता है ये ट्राइबल लोग। यहाँ पर राइस बियर वगैरह लगता है ना, आफोंग, आफोंग जो बोलता है, मोटा वाला लेगा मैं, यहाँ पे पोर्क बनाने के लिए चिकन पोर्क। ओके, तो लेने से होगा, तीन तो ले लो, तीन तो लेता, ये हम लोग को फ्री में दिया है भैया लोग। ये रख दो, ये मोटा वाला लेगा, स्पेस होगा ना। हो जाएगा तो बेबी, इसी से हो जाएगा, हो जाओ ये। यहाँ पर फिराओ ना, ये दूसरा वाला पे फोन नंबर आसे। गाइस वो अंकल लोग बोल रहा है कि यहाँ पर भी खुद कैंपिंग बना के रह सकता है, कितना भी ग्रुप में आओ, चाहे पाँच पाँच हो या छह जन सात जन, जितना भी ग्रुप में रहो, सिर्फ 600 लेगा, मतलब ये एरिया के लिए लेगा सिर्फ, और बाकी अपना खाना पीना यहाँ पर बना के खा सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है बोला, क्योंकि यहाँ पर भैया लोग रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आराम से जंगल का बीच में कैंपिंग करके रहने का मजा ही अलग होगा ना गाइस, दोस्तों के साथ। हम लोग आएगा, सोच रहा हूँ प्लान करेगा ना 2-3 महीना के बाद आने का कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये प्लेस को, क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल भी है, आप लोग साउंड सुन सकता होगा, और यहाँ पर लाइक मतलब नदी एंड ऑल, जगह एनवायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, इसलिए अच्छा लगा मुझे। एक दिन आएगा यहाँ पर कैंपिंग करके बैठेगा, एंड यहाँ पर उन लोगों का लिस्ट देके रखा है, ब्रेकफास्ट का एंड स्टार्टर्स का, एंड बाकी ये सब फोन नंबर वगैरह दे रखा है। ये लोग आने से पहले उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि जगह को बुकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं मिलता है बोला। ये लोग सब कुछ अच्छा है, ऑरेंज वगैरह भी है। देखो, और ये हम लोग लेके गया पोर्क बनाने के लिए, ठीक है लोग पर। Guys, I'm so super happy because Assam में like camping करने का ये सब ये नहीं होता था, सिर्फ सुनता है मेघालय का है, मेघालय का है, अभी तो असम का भी बना दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड ये एरिया जो जगह है ना, यहाँ पे आगे में वाटरफॉल है, वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं आप, जितने भी आदमी ग्रुप में आओ या एक जन आओ या दो जन आओ, यू हैव टू पे ओनली 600 फॉर कैंपिंग, एंड आप लोग खुद बना के खाना भी खा सकते हो, एंड बहुत ही ज्यादा मजा है guys। चलो चलो आप लोग भी आओ, हम लोग फोन नंबर दे देगा लिंक में, तो आप लोग कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट करके बुकिंग कर सकते हो, तो देट विल बी बेटर, क्योंकि नहीं तो दूसरा लोग आके बुकिंग कर देगा, ऐसा हो जाता है ना। तो हम लोग ने नंबर ले लिया, आप लोगों को भी दे देगा, आप लोग आना है तो नंबर में कॉल कर दो। बहुत अच्छा लग, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आके कुछ डर रहा है किसी चीज को, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है ना, फ्रीली रह रहा हो यार। और यहाँ का विलेजर लोग इतना अच्छा है, इतना हेल्पफुल है, बहुत अच्छा लगा। प्लस पॉइंट उन लोग का एक ही चीज है, उन लोग का रेस्पॉन्स बहुत
अच्छा है बहुत। बाकी यहाँ पर कुछ कुछ सामान नहीं मिलते है, बट फिर भी वो लोग आदमी लोग ना अंकल लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। एक सच बात बोलो, मैं ना मेघालय पे इतना जगह पे हम लोग गया है लेकिन इतना पोलाइट इंसान नहीं देखा, हेल्पफुल ना। लेकिन इधर में असम में आकर एक होता है ना अपना सा लगता है, स्ट्रेंजर भी नहीं है, नहीं फील होता है, तो अच्छा लगता है और लैंग्वेज भी जानता है तो अच्छे से मतलब बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये फिलेस लाइफ है ब्रो, फिलेस लाइफ में ऐसा रेस्पेक्ट मिलेगा ही आपको। गाइस हम लोग वहाँ से खाना खाएगा सोच के गया था लेकिन एक जन का 500 है तो दोनों का हम लोग का 1000, तो हम लोग सोचा क्यों ना फुटपाथ में भी 100 रुपया में खा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं खाया। तो अभी हम ये साग लिया है, उसके बाद पॉक लेगा, पॉक घर में बना के खा लेगा भाई। 200 रुपया में हो जाएगा हम दोनों का। 100 लेने से हो जाएगा, ये 10-20 रुपया 120। चलो हम लोग का कितना बच गया, 880 ना, 880।